माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैरो आफियत से। ये हमारी सुबह के आगाज़ हो चुकी है और हमारा दूध भी ये फट चुका है। मैं चाय बनाने जा रही थी, देखिए एक्स्ट्रा दूध हमारे पास था तो हमने उससे दूध चाय बना लिया। हमने ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, बस थोड़े से और देर में छोड़ूंगी धीमी धीमी आंच में ताकि इसे अच्छे से ये पक जाए और इसकी फ्लेवर अच्छी सी आ जाए। और यहाँ पे बस चाय रेडी हो रही है और हाथों हाथ मैंने क्या किया, उस दूध जो फटी हुई थी उस पर हमने शक्कर ऐड करा और इसकी जो छेना जो बनती है ना दूध फटी हुई की, बहुत अच्छी लगती है तो इसे मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए आप मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हमने शक्कर ऐड कर लिया था, ये देखिए, और हमने एक इलायची ले लिया था। इलायची लेकर उस पर अच्छे से हमने उसे कूट लिया था ताकि उसके अंदर की जो बीज होती है ना वो बाहर आ जाए, उसकी फ्लेवर थोड़ी अच्छी सी आती है। अगर आप ऐसे डाल दोगे ना तो फ्लेवर नहीं आएगी, तो हमने इस पर ऐड कर लिया था। उसके बाद धीमे धीमे आँच में हमने इसे पकाया, अच्छे से चलाती गई और ये देखिए कितना अच्छा सा ये बन चुका है हमारा ये मावा। इसे रबड़ी टाइप बन जाती है, उसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल मिल्क केक की फ्लेवर आती है ना, बिल्कुल उस टाइप का ये लगता है। इसके साथ बच्चे रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं और हम जब छोटे थे ना तो हम खुद इससे खाने के लिए झगड़ा किया करते थे कि हम खाएंगे, हम भाई बहनों में यूँ हुआ करता था। तो आज हमें अपने दिन याद आ गए, आज जब अपने बच्चे इस तरह से करते हैं और खाते हैं उन्हें पसंद आ गया ना। हाँ, आज फिर से एक दिन छुट्टी मिल गई, नहीं तो सलंग एग्ज़ाम, एक दिन भी छुट्टी नहीं थी, एग्ज़ाम पेपर होते ही जाते हैं रोज़। आज एक दिन बारिश की वजह से छुट्टी मिल गई। और छुट्टी मिली तो क्यों मिली, बहुत तेज़ बारिश, थोड़ी बारिश नहीं थी, बहुत तेज़ थी और हमें डर लग, तो तालाब बन गया नीचे, मतलब सड़कों पे पूरी पानी भरा गई है, इस मतलब लोगों को आने जाने में परेशानी आ रही थी, पानी नहीं निकल रही थी और मतलब कि डर लग गया था ना उस टाइम। एक तो पापा भी नहीं आए थे रात के 11:30, बादल गरज देर तक, बहुत बिजली चमक रही थी, वो करके बिजली चमक रही थी। आप डॉगी हो बिजली चमक रही थी, यूं बोलते हैं, मतलब किड़ी 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 करके बिजली चमक रही थी। चलो फिर, ये यूनिफॉर्म में निकाल के रखी थी कि सुबह मॉर्निंग में पहन के जाएगा, इसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, ठीक है। फिर जाओ आप रख के आ रहा ले लो। यस अम्मी। और यहाँ पे हमने जैशो के कुछ कपड़े थे जो हमने विंडो में टांग दिया था, इस तरह से हवा में सूख जाते हैं तो इसलिए हम रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ कट कर ली थी, वो भिंडी थी और थोड़े से कैप्सिकम थे, और यहाँ छोटू सा कैप्सिकम थे जो बहुत क्यूट सा लग रहा था, तो मैं थोड़ी इसके साथ मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे फिर ऑयल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी थी और इस पर मैंने जो भिंडी और कैप्सिकम कट करके रखा था उससे ऐड कर लिया था। इसे अच्छे से मैं इसे फ्राई करूँगी, इस पर नमक भी हमने स्वाद के अनुसार ऐड कर लिया था, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। और यहाँ पर बस इस तरह से मैं उसे फ्राई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम में, अभी तो बिल्कुल हाई फ्लेम रखी हूँ, उसके बाद लो फ्लेम हमने कर लिया था। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 2-3 हरी मिर्ची भी इससे कट करके हमने डाला था और उसे धीमे धीमे लो फ्लेम कर लिया था हमने ताकि इसकी जो नमक है मसाले इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर हाई फ्लेम करके इस तरह से आपको फ्राई करना है। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही लाजवाब था। मैंने इसे YouTube पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करूँगी, बस मैंने भी ट्राई किया, जो बहुत ही मज़े की बनी थी, चटपटी सी थी, इसके साथ रोटी पराठा या फिर पूड़ी बहुत ही मज़े की लगती हैं। हमने तो अपने किचन में ट्राई कर लिया है, आप कब करोगे हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। चलिए हमारा फिर यहाँ पे लंच हो चुका है, लंच करने के बाद सीधा मैं किचन में आई और अपने
किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो सब हमने क्लीन करा, किचन क्लीन करा। उसके बाद फिर ये देखिए धीमी धीमी सी धूप निकली थी और फिर हस्बैंड यहाँ पे बूटा लेकर आ गए थे जो बहुत ही लाजवाब लग रही थी। इसे मतलब भुनने के बाद बहुत मीठी मीठी लगेंगी ये, और फिर मैं शाम के वक्त ही भुन कर बच्चों को भी दूँगी। और यहाँ पर जायशा मेरे साथ बैठी थी, इसकी मस्तियाँ चल रही हैं, ये देखो बदमाश को इसकी मस्ती चलती रहती है। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल रूम में, हॉल रूम में आकर यहाँ की क्लीनिंग करी और यहाँ की क्लीनिंग कर, ये जो पिंजरे हैं ना बर्ड्स के, इसकी क्लीनिंग कर रही थी मैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और इनका पिंजरा मतलब हर एवरी डे आपको क्लीन करना होता है, ये इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो वही मैं यहाँ पर सब क्लीन करके, जो भी वो ऊपर से गिरा था ना, मैं नीचे इसके ट्रे वगैरह सब लेके जा रही हूँ, अच्छे से मैं इसे वाश करती हूँ। और यहाँ जयशु को मैं ऊपर बिठा के रखी थी ताकि ये नीचे अगर आती ना तो फिर बहुत परेशान करती, वो सारे उसके दाने वगैरह के जो छिलके होते हैं ना वो सब हाथों से उठाती हैं, तो इसलिए मैं उसे ऊपर ही बिठा देती हूँ। और यहाँ पर मैं बाथरूम में जा रही हूँ ट्रे लेकर, ये इसे अच्छे से मैं घिस के साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ जयशु रानी क्या कर रही है, जयशु यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, मम्मा का हेल्प कर रही है। और यहाँ पे हमने उसकी ट्रे लगा दी है वापस से, और फिर मैं झाड़ू ले रही हूँ तो मुझसे दे नहीं रही है, मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे सातों हाथ मैंने कपड़े पे कुछ मशीन में लगाए थे तो वो भी अच्छे से धुल चुके थे, तो मैंने स्पिन कर रही हूँ उस पर, ड्राई कर लूँगी। और फिर यहाँ पर बस इन दोनों को देखो, ये दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और ये एक साथ एक मटके में कैसे ये बैठे हैं, मुझे वो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये आपस में इतने ज़्यादा लड़ते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं छोटा सा क्लिप आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए एक उसके ऊपर बैठी है और एक ये बहुत क्यूट सा लगती है ये, और एक येलो वाली। और फिर यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई थी, मतलब बारिश का क्या है कि बस थोड़ी देर बारिश होती है, हल्की सी धूप होती है, फिर से बारिश हो जाती है, तो कपड़े तो छत पे हम दे ही नहीं सकते, इस तरह से बस चलता रहा पूरा दिन। और ये शाम के वक्त ये बच्चे यहाँ पे हॉर्स लेकर आए थे, जो हसन का हॉर्स था पहले की, तो उसे सजा रहे हैं यहाँ बैठकर। और यहाँ पे जितने भी हसन के वो छोटे बच्चे, मतलब वो छोटा सा था ना तब के उसके खिलौने सब है, ये टूटे फूटे सब मिक्स मैंने स्टोर करके इस तरह से डब्बे में मैंने रख दिया था कि ये एक एक बार यूँ निकालता है हॉल में, चुप से बैठ के इसके साथ खेलता रहता है, तो इसलिए मैंने आज तक इसे नहीं फेंका। ये 12 साल को हो गया इसके खिलौने इस तरह से। अब जायशा इसके साथ लगी रहती है, तो अभी जैसे इसने इस डब्बे को पलटा तो जायशा फ़ौरन आ गई और इसके साथ मस्तियाँ करने लग गई। और हसनैन गुस्सा कर रहा था, मम्मी इसे ले जाओ, मैंने कहा नहीं रहने दो आप उसको, उसके साथ वो जायशा खेलेंगी। तो अब ये जायशा इसके साथ खेला करती है। और यहाँ पे हसन अपने जितने भी अटाले निकाले थे ये वापस से वो रख रहा है, ये बिल्कुल भी जायशा को हाथ लगाने अभी भी नहीं देता, पता नहीं ये और कब तक इसके साथ खेलेगा। उसे देखते हो तो लगता ही नहीं कि ये कभी अब बड़ा होगा, ये उनके खिलौने उनकी जान है, भले वो टूटी फूटी क्यों ना, वो उसे हर एक चीज़ को मतलब फेविक्विक ला के सटाना है, जोड़ना है उसे, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से कैरी करके रखता है वो। और यहाँ पर बच्चे अपने काम कर ही रहे थे, यहाँ पर उनके घोड़े सजाने की ये काम चल रहा था, और फिर यहाँ पे जायशा उसकी छोटी छोटी चीज़ें लेकर खेल रही थी, तो हसन बार बार उसे वहाँ से हटा रहा, मुझसे कहता मम्मी इसे अंदर ले जाओ, अंदर कमरे में ले जाओ। और ये छोटा सा पैरोट ये देखो, ये हसन को मिला था मुझ जब हसन 3 से 4 साल का था, आंगनबाड़ी से मिला था इसे गिफ्ट में, हसन का बर्थडे था, तो ये अभी तक वैसे के वैसे ही है।
ये अब जैशा खेलेंगे ये आते इनके जितने भी टूटी फूटी जो भी खिलौने सब अब जैशा के नाम है बस वो। और यहाँ पे मैं आटे के लई बना के ला के दी थी बच्चों को। यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैंने भी आपकी हेल्प कर दी है। तो इस लई से बच्चे ये पेपर चिपका रहे थे घोड़े के ऊपर, इनका काम ये चलता रहा। उसके बाद मैं जैशा के लेके अंदर चली गई थी। ये क्या हो रहा है दुल्हन है, दुल्हन दुल्हन आई है, प्यारी सी दुल्हन आई है मम्मा के पास। और जैशू ने यहाँ पे खाना पकाया है, ये खाना बना रही थी जैशू ने। क्या खाना बनाया है पापा के लिए? चलिए जी, फिर इसकी तो मस्ती यहाँ पे चलती ही रहेगी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।